आपके पति को नहीं बताएंगे मुझे प्यार हो गया। अरे यार मैं ऐसी लेडीज नहीं हूँ, क्या समझ के आए तुम मेरे पास? अरे मैं तो आपसे सीधा एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप मुझे बना लो अपना आशिक, हम दोनों घूमने चलेंगे नासिक। दिमाग खराब है तुम्हारा? क्या हो गया, बातें कर रहे हो यहाँ पे बैठ के? क्या गलत बोल दिया? दिमाग खराब है तुम्हारा? मार क्यों? अच्छा सुनो, आपका नंबर मिलेगा मेरे को? नहीं मिलेगा कोई नंबर। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नंदू सबका बंधु में। हम लेकर पेश है मजेदार वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो मेरे को मार पड़ गई, तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखना और मैं आपसे मिलूंगा वीडियो के बाद। और गाइस, जिनको भी मुझसे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे बात करनी है, यूजर नेम यहाँ पर आ रहा है, आप लोग आओ, मैं वहाँ लाइव आता रहता हूँ और आप सबके जवाब दूंगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे वीडियो के बाद। आंटी आपको पता है मैकडी वगैरह कहाँ पर है? हाँ जब भाई, जहाँ बर्गर वगैरह मिलता है ना कुछ खाने पीने का, तो पे खादी ग्राम उद्योग है ना, उसके पास में ही है। यहाँ से सीधा जाके? हाँ सीधा जाके आप खादी ग्राम उद्योग जाओगे। हाँ। खादी ग्राम उद्योग के आगे ही जाके बर्गर का। अच्छा, तो ऐसे उंगली करके जाऊँ तो सीधा सीधा पहुँच जाऊँगा? सीधा जाके आपको राइट, मतलब ऐसे ऐसे करके चलता रहूँ ऐसे? हाँ सीधा जहाँ गेट है गेट। हाँ थक जाएंगे ना मेरे अगर ऐसे जाऊंगा? ऐसे नहीं, मतलब नॉर्मल जाओ आप। अच्छा, और राइट लेफ्ट साइड में जाना आपको बर्गर, आगे से लेफ्ट। हाँ वैसे पता है आपको, मतलब मैंने ना आपको अभी इधर घूम रहा था तो मैंने आपको देखा और मतलब मुझे ना कुछ याद आ गया। अच्छा। तो ये बर्गर किंग ना मेरे को एक्चुअली बहाना था आने का आपके पास, तो मुझे आपसे मतलब जैसे कल मैं आपको बता दूँ एक चीज़, मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ आपसे। जैसे कल मैं सोया था रात को, तो जैसे 4 बजे जो सपना आता है आपने भी सुना होगा कि वो सच होता है, तो मेरा क्या हुआ कि 4 बजे मैं सोया, उस मतलब 3 बजे मैं सोया था, 4 बजे तक ना मेरे माइंड में एक ना चेहरा सामने आया और फिर उसके बाद ना मेरे को काफ़ी सुकून की नींद आई। अच्छा। हाँ मतलब समझ रहे हो ना, किसी का चेहरा दिख जाता है वो लकी चार में होता है तो फिर मतलब अच्छा सा लगता है, अच्छी फीलिंग होती है। तो उसके बाद अभी जब मैं देख रहा था ना तो मैंने देखा आपको, फिर मेरे को लगा कि यार वो चेहरा मैच हो रहा है, तो मैंने आपको कल अपने सपनों में देखा था। मुझे देखा? हाँ। अच्छा ये कैसे होता है? अब ये पता नहीं कैसे हो गया, तभी तो मैं आपके पास आ गया। और मतलब वो ना मेरे को काफ़ी अच्छा लगा था, तो यार मैं वो यार सॉरी मैं आपके पास यही बोलने आया था कि यार मुझे ना मतलब जैसे समझ रहे हो पहली नज़र वाला प्यार होता है ना, तो मुझे आपसे हो गया है। क्या बकवास कर रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो, कितने छोटे हो, बेटे जैसे हो मेरे। आंटी वो पिक्चरों में मैंने सुना था ना कि प्यार जात पात ऊंच नीच धर्म वर्म कुछ नहीं देखता। क्या बोल रहे हो, सोचो जरा दिमाग में क्या बोल रहे हो तुम। सोचा था ना कल रात को सपना, नहीं, तो वही आज। अभी तुम क्या बोल रहे हो, कहाँ बोल रहे हो, देख रहे हो मैं कहाँ बैठी हुई हूँ, क्या बात कर रहे हो, पार्क में मैं बैठी हुई हूँ। मैंने आपको देखा तभी तो मैं आया हूँ। तुम अपने एज ग्रुप की कोई लड़की ढूंढो ना मुझे। नहीं वो आंटी पता क्या, उसमें ना दिक्कत होती है, उन्हें पहले मतलब इम्प्रेस करो, उनके पीछे एक तो लाइनें बहुत लंबी लगी रहती हैं, तो पहले 2-3 महीने उनसे बात करो, उन्हें कंफर्ट जोन में लेकर आओ, फिर उनसे बात करो, फिर पता क्या होता है उसमें ना पागलबंदी होती है, एक गलती की बंदा 20 बार माफ़ी मांग लेगा तब भी वो गलती रहती है, आपको भी पता होगा, आप भी इस उम्र से। मुझे कोई चीज़ में मतलब नहीं है, लेकिन अपनी बातें जो ये है तुम कर रहे हो ना, ये गलत बात कर रहे हो। मेरे बच्चे हैं तुम्हारे जैसे और तुम मेरे बेटे जैसे हो, मेरे को तो लगा मेरे बेटे जैसा कोई बच्चा आया है और मेरे पास आकर बात करने के लिए आया है, इसलिए और कोई बड़ा आदमी होता तो मैं उसको बैठने देती यहाँ पे, कभी भी बैठने नहीं देती। तो मैं मुझे मना करते तो मैं नीचे बैठ जाता पैरों में। क्यों बैठ जाते तुम ऐसे, कैसी बातें कर रहे हो तुम? आंटी आपके पति को नहीं बताएंगे मुझे प्यार हो गया। अरे यार मैं ऐसी लेडीज नहीं हूँ, क्या समझ के आए हो तुम मेरे पास, पागल हो क्या? पागल नहीं हुई लेकिन मैं पागल होना चाहता हूँ ना आपके लिए। पागल होना चाहता हूँ सही में मैं, मतलब खराब है क्या या थप्पड़ लगना है तुम्हारे? आंटी मम्मी ने कभी समझाया नहीं है, आप आंटी से कैसी बातें करते हैं? आंटी से हम लोग नमस्ते करते हैं ना, लेकिन तो नमस्ते भी कर रहा हूँ ना, लेकिन मेरे को क्या है, आप जो दिल की बात है वो बता रहा हूँ मैं, आपको क्या दिक्कत है आपको ना? आप सुनो अच्छा एक बार बताओ, हमको ये तो है नहीं कि हम फोटो खिंचवा रहे हैं फिर उसे सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। हाँ। ना आपके घर पे पता चलेगा ना मेरे घर पे, मेरे घर पे पता। मुझे कोई मतलब नहीं है ना इस चीज से यार, आंटी मुझे कोई जरूरत नहीं है, तो क्या मेरे बच्चे जैसी बातें करो तुम? आंटी लेकिन फिर आपकी गलती है ना, नहीं परवरिश तो मेरी बहुत अच्छी हुई है लेकिन ना आपकी भी गलती है कुछ इसमें। क्या गलती है मेरी? आप मेरे सपनों में क्यों आए? मैं आपके सपने में आई हूँ और क्या, ये सब ना फिल्मी बातें होती हैं। नहीं तो नहीं बात, पागलों वाली बातें मत करो मेरे साथ, जाए यहाँ से, अपना रास्ता नापो, तुम जैसे बच्चों के साथ तो बैठना भी नहीं चाहिए। मैंने सोचा कोई छोटा बच्चा आया आके बैठ गया मेरे पास, तुम तो उल्टी सीधी बातें कर रहे हो मेरे साथ। नहीं आंटी कोई देखेगा क्या, बोलेगा क्या बातें कर रहे हो तुम मेरे साथ बैठ के यहाँ पे, किसी को सुनाई थोड़ी ना, ना सुनाई दे, मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा ना आंटी, सच्ची में दिल आ गया मेरा, दिल आ गया, ये दिल विल सब ठीक कर दूंगी ना तुम्हारा,
समझ में आई बात? नहीं, वो दिल का ना वो प्रेम जाओ रोग का कोई... जाओ काम करो। क्या हो गया, आप तो भगा रहे हो। भगाने की बात नहीं, मैं थप्पड़ भी लगाऊंगी खींच के। आंटी ऐसे मत करो ना, दिल आ गया अब आप तो ऐसी बात कर रहे हो। पागल हो तुम क्या, मेरा दिमाग खराब तो आप देखो गलती आप ऐसे मूड खराब हो रहा है। क्या हो गया आपको, कुछ भी है आप मुझे बताओ। मैं आप तो मेरी क्या प्रॉब्लम सॉल्व करोगे बताना जरा। नहीं मैं कर तो कुछ भी नहीं सकता, मैं प्रे कर लूंगा आपके लिए। क्या कर लूं लेकिन, अरे उसको छोड़ो ना, अब मेरी बात तो सुनो। मुझे कोई तुम्हारी बात नहीं सुननी है, यहाँ से जाओ, मेरा दिमाग मत खराब करो। समझ में आई बात? कोई और लड़की देख लो, कोई तुम जाके वहाँ पे कोई ढूंढ लो लड़की। नहीं लड़की के पास बताओ, कमाल हो गया, कलयुग हो गया, ये आंटियों के पास आके बैठ गया लड़का ये। नहीं आंटी, ये मैं ही मिली थी मजाक करने के लिए तुम्हें। नहीं मजाक नहीं कर रहा मैं सच्ची में। फिर मुझे तुम्हारा मजाक बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, ये मजाक किसी और के साथ करना, समझ में आई बात? तो आंटी फिर कुछ भी नहीं हो सकता, मतलब क्या हो सकता? अरे मैं तो आपसे सीधा एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप मुझे बना लो अपना आशिक, हम दोनों घूमने चलेंगे नासिक। दिमाग खराब है तुम्हारा? क्या हो गया, बातें कर रहे हो यहाँ पे बैठ के? क्या गलत बोल दिया? क्या गलत बोल दिया, दिमाग खराब है तुम्हारा? आंटी यही तो बोला, प्यार हो गया। आप ऐसे क्यों मार रहे हो यार? ऐसे क्यों मार रहे हो, उल्टी सीधी बातें करी जा रहे मेरे साथ। मैंने क्या कुछ गलत, आप बैठो तो सही, दोनों रिलैक्स। तो मुझे नहीं बैठना, मैंने आपसे यही तो बोला कि आपसे प्यार हो गया मेरे को, इसमें गलत प्यार मैं। आंटी मारो तो मत, क्या हो गया आपको? क्या हो गया आंटी, मारो तो मत, क्या दिक्कत है क्या? अच्छा एक बात बोलो, आप बैठो पहले। मुझे नहीं बैठना, भागो यहां से। एक मिनट मेरी बात तो सुन लो, एक मिनट सुनो पहले। नहीं मुझे कोई नहीं सुननी बात तुम्हारी, भागो यहां से, चलो यहां से। अरे मैं जा रहा हूँ, आप मेरे को एक मिनट तो सुन, दो मिनट बात तो। हाँ ऐसे आंटी, दो मिनट तो सुन लो। नहीं सुननी मुझे तुम्हारी कोई बात। अच्छा आप एक मिनट बैठो, रिलैक्स होके बैठो, गुस्सा मत करो। हाँ बैठो, गुस्सा मत करो। एक बात बताओ, आपने मुझे इतना मार दिया यार, ये बहुत तेज चोट लगी है, आपके हाथ बहुत मजबूत हैं, तो मैं आपसे मतलब पूछना चाह रहा हूँ कि दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है, फिर वही दिक्कत क्या है आपको, मतलब क्यों गुस्सा क्यों आ रहा है? गुस्सा आएगा ना। अच्छा आप, आज मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, आपने कभी किसी मेरे पास बैठने की जरूरत नहीं, जाओ यहाँ से, भागो। मैं जा रहा हूँ, मेरे को एक सवाल का जवाब दे दो, बस एक सवाल का जवाब दे दो। हाँ। आपने कभी किसी से प्यार नहीं, नहीं किया? किया मैंने किसी से प्यार, सही में नहीं किया, भागो यहाँ से। आपने नहीं किया तभी आप मेरे प्यार की कदर नहीं कर रहे। अरे यार मारो तो मत आंटी, मार क्यों रहे हो? अच्छा सुनो, आपका नंबर मिलेगा मेरे को? नहीं मिलेगा कोई। आंटी सुनो तो सही, आप तो फिर आ गए। अरे आप दो मिनट मेरी बात तो सुन लो, दो मिनट सुनो तो सही, आप मारे जा रहे हो, आप बात ही नहीं सुन रहे। अच्छा सुनो तो सही, एक मिनट तो सुन लो आंटी, आप तो मार दो। आपको बुरा किस चीज का लग रहा है जब मैं कह रहा हूँ कि आपके घर पे नहीं पता चलेगा? अच्छा सुनो आप, अच्छा मुझे कोई बात नहीं सुननी है, जाओ यहाँ से। अच्छा सुन, आंटी हम ना सुनो तो सही, सुन तो लो, एक मिनट सुन लो। क्या सुन? हम मजाक कर रहे थे आपसे, मजाक कर रहे थे, सुनो। आप सामने बहुत मार दिया, हम आपके साथ मजाक कर रहे थे। उधर देखो सामने कैमरा लगा है हमारा, प्रैंक शूट कर रहे थे ये सामने पेड़ के पीछे। लेकिन तुमने तो मुझे डरा दिया ना। आपने प्रैंक्स देखे हैं? नहीं देखे तो हैं, लेकिन तो ऐसे ही होते हैं, वही कर रहे थे हम। बताओ मेरे को तुमने इतना डरा दिया, अकेली यहाँ पे बैठी हुई थी, और वैसे ही मैं अकेली आज आई हुई थी और तुम लोग ने पता नहीं वो मैं आप बैठे हुए थे ना, तो मेरे को भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैंने सोचा चल के छोटा सा मजाक कर लूं। ऐसा नहीं करना चाहिए। बुरा तो नहीं लगा आप? थोड़ी मेरे को शुरू में बहुत बुरा लगा था, लेकिन ये है कि ठीक है प्रैंक शूट है, लेकिन बताना चाहिए था ना तुम्हें पहले। आंटी बता देता तो फिर आप मेरे को मारते नहीं ना, मुझे पता होता तो फिर मैंने चप्पल से भी मारा तुम्हें। कोई दिक्कत नहीं होता, अब देखो गुस्सा तो आता ही है, आप सही कह रहे हो, आप गुस्सा तो आता ही है ना। तो हम मतलब आपके साथ जैसे वीडियो बनाई हमने बिना बताया, यूज कर ले कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ, कर लो। और अब आप गुस्से में तो नहीं हो? क्योंकि आपने जिस तरीके से गुस्सा किया ना, मेरे को बहुत गालियाँ पड़ेंगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वही है कि भाई पता होता मुझे तो थोड़ा शुरू में तो गुस्सा मुझे बहुत आ गया था, लेकिन अभी मुझे अब तुमने बताया तो अभी थोड़ा सारा गुस्सा मेरा चला। तो अभी गुस्सा नहीं है ना? नहीं अभी मत। ठीक है, थैंक यू। वैसे आप काफी अच्छे हो। अच्छा मैंने मार दिया सारी, कोई बात नहीं आंटी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो अपने सारे दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो। और गाइस जिनको भी मुझसे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे बात करनी है, तुम्हारा भाई वाला लाइव आता रहता है, जितनी मर्जी बकचोदी मारनी है, यहाँ यूज़र नेम आ रहा है नंदू वाई टी, आप लोग आओ हमसे जुड़ो और बात करो, ठीक है।